सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जो पोएम लिखे हैं इट्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज लाइक समथिंग मैंने जो कुछ सालों से यूज करना बंद कर दिया था बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो दिन भर उसी पे काम करना फिर रात को आके लोगों के फीड देखना वो मुझसे होता नहीं था। तो फ्रॉम लास्ट लाइक 6-7 months आई एम अ लिटिल एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड एक्चुअली आई एम एक्टिव ऑन फेसबुक फ्रॉम लास्ट 2 months आई कैन से। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज की जो मतलब वाइल वर्किंग विद कंपनीज मैं नहीं देखती थी। तो मुझे कुछ चीज़ें लगी थोड़ी सी टॉक्सिक है सोशल मीडिया पे, बट और भी काफ़ी कुछ है जिससे रिलेटेड मैंने ये पोएम लिखी है। तो मैं वो पोएम आज आपको सुनाने के लिए आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। पोएम का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है सोशल मीडिया पे मज़ा तो बहुत आता है। तो शुरू करते हैं। तो किसी का मजाक उड़ा के मजा तो बहुत आता है, यूं ही किसी का दिल दुखा के मजा तो बहुत आता है, अपने तर्क वितर्क से नीचा दिखाना अच्छा तो बहुत लगता है, और फिर कर्मा इज अ बिच कहना सच्चा तो बहुत लगता है, किसी के रंग रूप कट काठी का मजाक बनाने में आनंद ही अलग है, लोगों की तस्वीरों पे घटिया मोटा काला नाटक कहने का आनंद भी गजब है, ये यूं लोगों की धज्जियां उड़ाने में मजा तो बड़ा आता है, कोई हमें कुछ बोले तो उसका मुंह तोड़ के जवाब देने में मजा तो बड़ा आता है, कोई जवाब दे या ना दे, ये स्पेशली लड़कियों के साथ बहुत होता है, तो कोई जवाब दे या ना दे उसे बार बार मैसेज करने में खुशी बड़ी मिलती है, कोई लड़की ना पटे तो भक्साली तो जैसे रास्ते पे चलती है, कोई जवाब दे अगर तो उसे विश्व सुंदरी भी कहते हैं, अगर चमका दे कोई तो गालियां देने में हम पीछे नहीं हटते हैं, दिन हो या रात, दोपहर हो या शाम, लोगों की गलतियां ढूंढ के उसे दुनिया के साथ शेयर करने में मजा तो बड़ा आता है, और अगर हजारों लाइक्स मिले तो बस शेयर करने का फल साथ लाता है, फिर वही कमेंट पे हाँ सही है, मारो इन्हें पीटो इन्हें, बोलने वालों की तो फौज ही अलग है, इन करोड़ों की भीड़ में चीख कर अलग दिखने वालों की इच्छा ही अलग है, पर जो भी हो सोशल मीडिया पे लोगों को गाली देने में मजा तो बड़ा आता है। ये एक व्यंग कविता है तो इसे उसी तरीके से लीजिएगा, कहीं आग जो लगी हो तो उसमें घी डाल डाल के लपटे बढ़ाएं, फिर उन्हीं लपटों पे हजारों अफसोस भी जताएं, ये झूठे दिखावे करने में मजा तो बड़ा आता है, किसी का मजाक उड़ा के यूं ही दिल दुखा के मजा तो बड़ा आता है, किसी का रंग किसी की जात किसी का धर्म पे उंगलियां उठाने में खुशी अलग जो मिलती है, क्या बताएं थप्पड़ और पत्थर से नहीं जुबान से मारने की खुशी अलग जो मिलती है, जो हम रास्ते से जाएं तो कुत्तों को लात मारकर हटा देते हैं, पर सोशल मीडिया पर कोई जानवर को नुकसान पहुंचाए तो उसे तुरंत जल्लाद करार देते हैं, एक मुखौटे के पीछे शैतान छुपाने का नशा ही अलग है, वो कड़वी कड़वी बातों से लोगों का दिल जलाने का नशा ही अलग है, चला ना जाए विरोधी कोई बच के कहीं ये सुनिश्चित हम करते हैं, हर बात पे करारा जवाब मुंह तोड़ के धरते, जिस दिशा में हवा बह रही हो तुरंत वहां पलट लेते हैं, भले ही गलत का साथ देना पड़े हम आंखें बंद कर लेते हैं, राजनीति का बंटवारा तो अब कुछ ऐसा हुआ है कि भाई भाई का नहीं पर पार्टी और नेता का हुआ है, ये खुद अपना लहू बहा देंगे पर अपने नेता पर आंच नहीं आने देंगे, ये राजनीति के पीछे खुशी खुशी अपना घर भी फूंक देंगे, क्या करें जो नेता जानता भी नहीं उसके लिए अपनों से लड़ने में मजा बड़ा आता है, खुद को सही और ऊंचा साबित करने में मजा बड़ा आता है, किसी का मजाक बनाने में यूं ही किसी का दिल दुखाने में मजा बड़ा आता है, क्या बताएं सोशल मीडिया पे मजा बड़ा आता है। तो आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। इट इज बेसिकली अ सार्कैज़म, व्यंग है कि लोग जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, कमेंट्स पे झगड़े करते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, उसमें उन लोगों को शायद मज़ा बहुत आता है इसीलिए करते हैं।
तो ठीक है, जारी रखिए, सोशल मीडिया पे आखिर मजा बना आता है। थैंक यू। सो एक चीज कहना भूल गई थी, अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और फॉलो करें और सबके साथ शेयर करें। सबको बताइए कि सोशल मीडिया पे लोगों को मजा कैसे आता है, और बहुत आता है। तो प्लीज गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्टे सेफ।